Hello everyone and welcome to Jobs and Learning. Friends, now we are going to learn about tense, जिसे हिंदी में हम काल भी कहते हैं. And you know, without tense we cannot speak English properly and mistakelessly. So before we start the tense lesson, पहले इसके बारे में जानते हैं, कुछ overview कर लेते हैं. एंड अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें. एंड नाउ लेट्स बिगिन. टेंस, जिसे हिंदी में हम काल भी कहते हैं, टेंस किसी भी सेंटेंस में क्रिया का वह रूप है जिसके थ्रू पता चलता है कि सेंटेंस में किए हुए कार्य का समय के साथ में क्या संबंध है. यानी कि कार्य जो है वो प्रेजेंट में हो रहा है या पास्ट यानी कि बीते हुए समय में हुआ था या फिर फ्यूचर में होने वाला है. यही कारण है कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस के वाक्यों में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं एज पर टेंस. एंड बिफोर लर्निंग टेंस वी ऑल शुड नो अबाउट दिस ऑल. फर्स्ट वन इज देर आर थ्री पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. इसके लिए एक सेपरेट लेसन है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं. पर्सनल प्रोनाउन में जो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, इसके ऊपर में भी एक वीडियो अवेलेबल है, आप वहां से जाके देख सकते हैं, लिंक में जाके देख सकते हैं. सेंटेंस जो है वो चार टाइप के होते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव. इसके ऊपर में भी एक लेसन अवेलेबल है, आप जाके वहां से देख सकते हैं. मेन वर्ब जो है वो तीन, उसके भी तीन फॉर्म होते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन. उसके बाद WH फैमिली, जैसे WH फैमिली लाइक वाई, वाट, वेयर, इस तरह के वर्ड्स का भी एक लेसन अवेलेबल है, उसका भी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, वहां से जाके देख सकते हैं. एंड आपको पता होना चाहिए कि टेंस तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. हिंदी में से हम वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल कहते हैं. तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस. एंड आगे बढ़ते हैं. ईच वन हैज़ फोर सब्जेक्ट टाइप्स, यानी कि जो टेंस हैं उन सब के चार सब्जेक्ट टाइप्स होते हैं, इंडिफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस. यानी कि तीन टाइप के टेंस हैं और उन सब के चार चार टाइप्स हमें पढ़ने हैं. तो टोटल 12 लेसन आने वाला है इसके ऊपर में, आप बहुत ही ध्यान से इन लेसन्स को देखेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली आप बहुत ही ग्रो करेंगे. हेल्पिंग वर्ब जो है वाक्यों में किए गए कार्य के समय के बारे में बताती है. तो इस आधार पर इन्हें तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है. प्रेजेंट टेंस में जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो होगा डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव, हैव बीन एंड हैज़ बीन. और पास्ट टेंस के लिए जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे, डिड, वाज, वेयर, हैड, हैड बीन. फ्यूचर टेंस के लिए जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे वो होगा विल, विल बी, विल हैव एंड विल हैव बीन. शैल भी यूज़ हो सकता है, शैल हैव बीन भी यूज़ हो सकता है और शैल हैव भी यूज़ हो सकता है. लेकिन अब नॉर्मली क्या है कि शैल का प्रयोग जो है फ्यूचर टेंस में अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं किया जाता है, शैल की जगह पर विल ही यूज़ किया जाता है. तो आप यूज़ कर सकते हैं. तो फ्रेंड, आज के लेसन में इतना ही. आने वाला जो 12 लेसन्स होगा टेंस का, इसे बिल्कुल भी मिस ना करें. एंड आई थिंक आपको ये लेसन पसंद आया होगा. इफ़ यस, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय.